हम गांव में किसी गली में दौड़ रहे और ओलंपिक में दौड़ रहे हैं, जो फ़र्क है, एक ट्रेनिंग ज़रूरी होता है जब आप एक कमर्शियल इंडस्ट्री में जाके वहाँ परफॉर्म कर रहे हो। एक राइटर बोलता है कि एक बंदा यहाँ से निकला और घर चला गया, सिनेमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए शॉट्स सोचने पड़ते हैं कि वो यहाँ से निकला तो ये वाइड रहेगा, इसके बाद दो चार वाइड नहीं जा सकते, तो वो सर्टेन चीजें हैं जो ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com, मैं हूं आपका अपना विरेंद्र राठौर। राइटर्स के लिए आज का वीडियो और बहुत खास वीडियो है, क्योंकि जो जो चीजें चेंज हो रही है इस डिजिटल इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपडेटेड रहें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिल पाए। आप लोगों ने सवाल किया था राइटर्स ने कि कई बार हम थॉट तो होता है मन में, मतलब कॉन्सेप्ट होता है, बट हम उसको एक कमर्शियल तौर पे डेवलप नहीं कर पाते फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में या वेब सीरीज के रूप में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ हैं श्रीविनय सालियन, वेलकम टू जॉइन फिल्म। प्लेजर। श्रीविनय, ये राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सब लोग तो उतना अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकते, डायलॉग नहीं लिख सकते, करेक्टराइजेशन नहीं लिख सकते, तो ऐसे में क्या उनको किसी से हेल्प मिल सकती है? आई बिलीव जो नॉर्मली होता है कि मैं क्लास में भी यही सिखाता हूँ कि हमारे में एक स्टोरी टेलर है ही, एज अ पेंटर हो या शेफ हो, तो शेफ भी जिस तरीके से प्लेट सजाता है, तो ऐसे स्टोरी टेलिंग हम सबको आती है, लेकिन एक क्राफ्ट को सोचना और उसके हिसाब से डेवलप करना वो एक अलग बात है। राइट। तो हो सकता है किसी में कोई किसी के पास कोई आइडिया हो तो देखें, कोलैबोरेट विद द राइटर। अगर आप राइटिंग में भी देखो तो एक स्टोरी टेलर होता है, एक कंसेप्ट डेवलपर होता है, एक स्क्रीन राइटर होता है और एक डायलॉग राइटर होता है। राइट। सबका अपना अपना फोर्टे है। अब वो स्क्रीन राइटर भी नॉर्मल लैंग्वेज जानता है, लेकिन वो डायलॉग राइटर जिस तरीके से नहीं कर सकता, मतलब जहाँ स्पेशलाइजेशन वाली बात है वो ही काम करना बिल्कुल ज्यादा बेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है या सिर्फ एक कहानी है, तो हम किसी की मदद से उसको डेवलप करा सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अगर चाहते हैं एज अ राइटर कि इस तरह से आपकी हेल्प हो, तो उसके लिए आप जॉइंट फिल्म्स की सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं। हम और श्रीविनय मिलकर देखेंगे कि उनको कैसे हेल्प करके कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट उसको बना दिया जाए। इससे एक बेनिफिट और भी हो सकता है श्री, कि अगर उनकी कहानी में वो जो एक पब्लिक का, ऑडियंस का एंटरटेनमेंट पॉइंट होता है वो नहीं है, तो हम उसको हेल्प करके डाल सकते हैं। आई थिंक इस काफ़ी हद तक होता है, क्योंकि एक राइटर नहीं बोलेगा तो भी कम से कम 3-4 साल ऑडियंस को समझने में डाल चुका है। जब एक नया कंटेंट क्रिएटर आता है, बिकॉज ऐसे काफ़ी लोग अभी खुद को कंटेंट क्रिएशन में पोजीशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ सोच आइडिया जनरेट करना है, फिर वो लोग फर्दर राइटर्स को दे देते हैं। तो जब राइटर्स का जो एक्सपोजर है ऑडियंस का, टेस्ट का, वो नए कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं होगा शायद। राइट। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि श्री कितना ज़रूरी होता है, ज़्यादातर राइटर्स को लगता है कि राइटिंग हमने सीखी तो नहीं है लेकिन कहानी हमारे मन में आई, हमने लिख ली है, और तो इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, है ना? तो सीखना कितना ज़रूरी है एक फिल्म के स्क्रिप्ट फॉर्मेट को? सी से कि हम गांव में किसी गली में दौड़ रहे और ओलंपिक में दौड़ रहे हैं, जो फ़र्क है, एक ट्रेनिंग ज़रूरी होता है जब आप एक कमर्शियल इंडस्ट्री में जाके वहाँ परफॉर्म कर रहे हो और वहाँ से रिजल्ट जनरेट करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक छोटा सा छोटा शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, लाखों करोड़ों इन्वेस्ट होते हैं, तो सक्सेस बहुत मैटर करता है, फेलियर किसी को पता भी नहीं चलता है नो, और फेलियर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग। आप ही ने कितनी बार कहा है कि यू नो कितने सारे फिल्म्स बनते हैं कंप्लीट नहीं होते, ये सब तो फेलियर्स लोगों को जमता नहीं है। तो सबका दारोमदार राइटिंग पे डिपेंड करता है, बिकॉज राइटिंग होने के बाद ही फिल्म्स बनेगा। हाँ, और मैं तो ये बोलता हूँ कि राइटिंग इज नॉट जस्ट अ क्रिएटिव थिंग, इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर फिल्म प्रोडक्शन, बिकॉज कॉस्ट्यूम वाला भी उसी में से ले रहा है, प्रोडक्शन वाला भी उसी में से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये सारा समझना और इसके लिए क्राफ्ट को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक राइटर बोलता है कि एक बंदा यहाँ से निकला और घर चला गया,
सिनेमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए शॉट्स सोचने पड़ते हैं कि वो यहाँ से निकला तो ये वाइड रहेगा, इसके बाद दो चार वाइड नहीं जा सकते हैं, तो वो सर्टेन चीज़ें हैं जो ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो एक बैलेंस होता है कि ना वाइड के बाद क्लोज कैसे होगा, मिड शॉट कैसे होगा, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। आपको सिनेमेटिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन प्रेजेंस क्या जाएगा। बिल्कुल, जैसे कैमरा अगर किसी एक्टर के क्लोज जाता है तो ऑडियंस सबकॉन्शियसली ये समझते हैं कि ये अभी कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। राइट अगर ये नहीं हो रहा है तो अगर आपने इसको वाइड में रख दिया तो ऑडियंस को पता नहीं कि कहाँ ध्यान दो। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी, बहुत सही आपने टेक्निकल बात कही कि अगर किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करके दिखाना है तो आप वाइड शॉट में दिखाओगे। बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंट कोई करेक्टर करने वाला है तो उसके आप क्लोज में जाओगे। बिल्कुल, है ना। और कई बार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें मालूम नहीं होती क्योंकि हमने भी कहानी को फिल्मों के हिसाब से देखना और लिखना शुरू नहीं किया है। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको लगता है, तो आप उसके लिए जॉइन फिल्म की सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं। और आप श्रीविनय सर से किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि जब अगली बार मैं मिलूं तो फिर मैं उस पर भी बात कर पाऊं। थैंक यू श्रीविनय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।